भाई हर कोई बच्चा आएगा बोलेगा भैया मेरे को तो ट्रू लव हो गया। कितना टाइम हुआ? 10 दिन में ट्रू लव हो रहा है भाई। ये बॉलीवुड नहीं है कि आपने आए टकराए और भाई ट्रू लव हो गया। नहीं, ट्रू लव में टाइम लगता है। 3 महीने तक तो यार अगला व्यक्ति अपने आपको छुपा सकता है, आपका हो सकता है अपना रियल फॉर्म भी ना दिखाए। एक फिल्टर लगा रखा आप उसी से बात कर रहे हो। 3 महीने बाद आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलने लगती है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद की रियलिटी में हम डील किससे कर रहे थे। और जब वो आपको बंदा कंपैटिबल होता है तब जाके कुछ प्यार व्यार चल चीज हो रही होती है। उससे पहले वाला जो फेज है उसमें 2 टर्म्स है, रियलिटी वाली टर्म है लस्ट और दूसरी सॉफ्ट टर्म यूज करूं तो वो है इन्फैचुएशन। कि भाई आपको वो क्रश लग रहा है तो बस ओहो ये लड़का अच्छा है क्यूट है। नहीं भाई, वो प्यार नहीं है, दैट्स इन्फैचुएशन। आपको हो सकता है आज इसके प्रति हो, 2 दिन बाद किसी और के प्रति हो, आया ना। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब साथ में यार एक और चीज, मैं बुक पढ़ रहा था और ये बुक की लाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसने क्या करा था, जेंडर को है ना एक एनिमल के साथ रिलेट किया था। उसने कहा कि ओके जो आपके बॉयज होते हैं ये डॉग्स की तरह होते हैं। डॉग्स मतलब कि भाई आप ऐसे बुलाते, कोई भी स्ट्रेंजर होता है कुत्ते को बुलाते, पूछ लाते लाता आ जाएगा यस और नो। फिर आप बोलोगे हट, वो भाग जाएगा। फिर आप दोबारा बोलोगे, वो वापस आ जाएगा। फिर आप दोबारा बोलो हट, वो भाग जाएगा। फिर आप दोबारा बोलोगे, वो वापस पूछ लाता लाता आ जाएगा। ये है बॉयज, ठीक है। कोई अफ्रेंड मत होना यार, हम रियलिटी पे बात कर रहे हैं, खुद को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी लाइनें भी नहीं आई वहीं पर। अगर हम गर्ल्स को कंपेयर करें यार, गर्ल्स को ऑथर ने कंपेयर किया बिल्लियों से, बाय बिल्ली। और ये बहुत फेमस बुक है, बहुत लाइक बुक है, ऐसे नहीं रैंडम बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्लियों से, बिल्ली क्यों? अगर अगर आपने बिल्ली पाली है, ठीक है हमने पाली थी, तो वो है ना किसी के साथ भी स्ट्रेंजर के साथ दोस्ती नहीं करती आती। उस कमरे में उस बिल्ली में जो लीस्ट इंटरेस्टेड होता है उससे जाके वो बात करती है। और वो भी बात ऐसे नहीं कि वो क्या आके आपके साथ खेलना स्टार्ट करती, नहीं। पहले अगर आप वो स्ट्रेंजर हो, मान लो ये कैमरा आप स्ट्रेंजर हो, वो आएगी आपको पहले स्टडी करेगी, कमरे में आएगी फिर चली जाएगी, फिर दोबारा आएगी फिर दोबारा आपको स्टडी करेगी, देखेगी थोड़ी देर, फिर वो चली जाएगी, फिर दोबारा आएगी, वो आपके चारों चक्कर एक चक्कर लगाएगी सोफे के चारों तरफ और फिर चली जाएगी। फिर फोर्थ टाइम आएगी वो आपके पैरों के बीच में से जाएगी, आप वहीं पर खड़े हो तो आप पसंद आ गए। चीज समझ में आ रही है? होता क्या है यार कि एक कॉन्फिडेंट बंदा, लोग इनसिक्योर, इनसिक्योर क्यों हो यार? एक 24-25 साल का जो व्यक्ति होता है ना, जिसने लाइफ में कुछ उखाड़ रखा होता है, एक अच्छी पे स्केल होती है, अपना खुद का घर गाड़ी होता है, वो कभी इतना इनसिक्योर नहीं होता अपनी रिलेशनशिप में, क्योंकि उसे पता है यार वो केपेबल है, उसने जो रिलेशनशिप में वो अपनी दम पर है, ठीक है। एक इनसिक्योर बंदा वो है जिसे हमेशा डर लगता है कि यार उसका तुक्का लग गया और अगला बंदा कभी भी जा सकता है, कि दीदी कभी शायद ऑनलाइन बैठी होंगी, किसी IITian से बात कर रही होंगी, या फिर जो भैया हैं, राहुल है मेरा भाई, ये किसी से बात कर रहा होगा। ये इनसिक्योरिटीज अच्छी नहीं, आपका ट्रस्ट होना चाहिए अगले बंदे पे, इतने कॉन्फिडेंट हो खुद पे कि यार ठीक है कोई छोड़ के जाना चाहता है तो आप किसी को पकड़ के थोड़ा ना रख सकते हैं। मैं इनसिक्योर होकर अपने दिमाग के अंदर वो पॉइजनस केमिकल थोड़ा ना डालूंगा, मैं खुद की लाइफ थोड़ा ना खराब करूंगा। आप खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, ऑनेस्ट रहो रिलेशनशिप में बस। पर वो कब आएगा कॉन्फिडेंस? वो कॉन्फिडेंस तब आएगा, वो जो स्ट्रेंजर जो बिल्ली को पसंद आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बंदा कॉन्फिडेंट है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। अगर आप कुत्ते बन के यार पीछे भागोगे दुनिया भगाएगी आपको, ये फैक्ट है। यहाँ पे कुछ कॉलेज वाले बच्चे बोल सकते हैं भैया क्या हम जॉब छोड़ देते, हम नहीं करें भाई, हमें नहीं करनी है। नहीं करो यार, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो, IITs में हो, IIITs में हो, NITs में हो, आप DTU में, NSIT में हो, BIT में, थ्रा में हो, बिट्स पिलानी में हो, जादवपुर में हो, इन सब कॉलेजेस के अंदर हो यार, यहाँ पे एक अच्छा पैकेज होता है, पैक हो गया थापड़ हो गया, तो आपको पता है आपके कॉलेज के अंदर 200-250 कंपनी आ रही होंगी, ठीक है आपकी जॉब पक्का लगनी लगनी। तो आपके कॉलेज के अंदर यार ये चीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छी चीज है। नहीं है हर एक को अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करनी है, कॉलेज नहीं तो लाइफ में बाद में 20-25 साल की उम्र में, पर करोगे जरूर। पर वहीं पर अगर यार आपका कॉलेज थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है, तो उस पर्टिकुलर केस में यार हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, हमें खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि कल को हम वो इनसिक्योर बंदा या बंदी नहीं बनना चाहते जो कि दूसरे पार्टनर की लाइफ खराब करके रखता है। हमें अपने ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हाँ मैंने अपने दम पे किया जो किया और मैं खुश हूं। क्योंकि जैसे आप खुद पे काम करोगे आप अगले की लाइक लिस्ट में आने लग गए, अब आप वो बंदा हो जिसको पिक्चर किया गया, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दैट्स इट। बाहर निकलो यार, सच्चा प्यार, सीरियसली कितना टाइम हो गया हमें, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो भाग रहे हो पीछे, मत भागो यार।